तो कैसे हो आप लोग? आज हम देखने वाले हैं अपोजिट कलर बिशप होते हुए भी हम मैच को कैसे विन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ब्लैक के पॉन्स ओनली 3 पॉन्स है, यहाँ पे वाइट के पास 5 पॉन्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर कनेक्टेड पास पॉन है, बट यहाँ पे डिफेंडिंग साइड जो है किंग जो है ब्लैक को ब्लॉकेटिंग अच्छी तरह से किया है, और आप देख सकते हो यहाँ पर वीकनेस है ऑन B6, वहाँ पर भी गार्ड है बिशप। सो आप इस पोजीशन में यहाँ पे कैसे विन हो सकते हो, थोड़ी देर यहाँ पे सोचो। चलो आप यहाँ पे किंग को आगे लाते हो ताकि इस पॉन विन हो जाए। तो लेट्स से किंग टू D5, देन किंग टू G5, यहाँ पे आप किंग को आगे लाते हो। अब जो यहाँ पर प्रेशर नहीं है ऑन B6 पर, तो यहाँ पे जो बिशप जो है अभी फ्री है जाने के लिए, तो यहाँ पर चक दे देगा। आपको यहाँ पर सिर्फ किंग मूव करना पड़ेगा, किंग टू E6 लाइक दिस। तो अभी ब्लैक का है, सिर्फ वेटिंग मूव करता जाएगा, और आपको कैसे भी करके फिर से इस पॉन के तरफ ही आना है। अगेन इस पॉन को B6 पॉन को अगेन ब्लैक जो है वो डिफेंडिंग कर लेगा। तो यहाँ पर वाइट के पास ज़्यादा पॉन है, बट ये गेम तो विन नहीं हो रहा। मतलब ब्लैक ये कह रहा है कि आपके पास ज़्यादा पॉन है, बट आप गेम को विन करके दिखाओ, तो आप कैसे विन होंगे? तो यहाँ पे आपको डिफरेंटली सोचना होगा। यहाँ पे हम एक प्रिंसिपल सीखेंगे, द एंड गेम मास्टर प्रिंसिपल। वो जो प्रिंसिपल आप अपने गेम में अप्लाई करेंगे तो आपको विन डेफिनेटली होगा। तो ये जो है वो थोड़ा एडवांस लेवल में है। ये मैच खेली गई थी बिटवीन टू चाइनीज स्ट्रॉन्ग ग्रैंड मास्टर्स, डिंग लरेन वर्सेस वांग यिरेन। यहाँ पे वाइट जो वेटिंग मूव करता जाएगा और ब्लैक भी वेटिंग मूव करता जाएगा। यहाँ पे बेस्ट मूव है वो चाइनीज मास्टर ने फाइंड की थी। यहाँ पे आप चाहो तो थोड़ा थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हो, और गेम में जो मूव खेला गया वो यहाँ पे आप सोच सकते हो। तो रेडी, यहाँ पर मूव है पॉन टू B4, अमेजिंग मूव, व्हाट ए मूव, ग्रेट मूव। यहाँ पे ब्लैक जो है उसके पास दो ऑप्शन है, पॉन से भी मार सकता है और बिशप से भी मार सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे अगर क्या होता है, बिशप टेक ऑन B4 होता है तो हम खेल सकते हैं किंग टेक ऑन B6। यहाँ पे जो पॉन है वो पास पॉन बन गया है। अब यहाँ पे A5 के बाद इस बिशप को दे देना पड़ेगा ब्लैक को। तो बिशप टेक ऑन B4 अच्छी मूव नहीं है। अगर यहाँ पे क्या होता है, पॉन टेक ऑन B4 मतलब C टेक ऑन B4 के बाद हम यहाँ पर खेल सकते हैं बिशप टू B3। बिशप टू B3 मूव जो है वो आपको खेलना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर बिशप टू B3 के अलावा कुछ और वेटिंग मूव खेलते हो। तो ब्लैक जो है वो B3 खेल के अपना डार्क स्क्वायर बिशप है वो एक्टिव कर सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे दो पॉन के वजह से जो ब्लैक का बिशप है वो भी अंदर फंस गया है। अब इस ब्लैक का बिशप को अब किसी भी तरह नहीं ला सकते गेम में। ब्लैक जो है अब इस बिशप को किसी भी तरह गेम को अंदर गेम में बिशप को नहीं ला सकता है। अब किंग जो है अब फ्री है अपने पॉन को सहारा देने के लिए और इस बिशप पर और इस पॉन पर भी अटैक करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर यहाँ से आगे गेम बढ़ता है तो क्या होते हैं देखते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक पॉन सेक्रीफाइस करके हमें क्या मिला। अभी बिशप मूव नहीं है, सिर्फ किंग के साथ ही ब्लैक को मूव करना पड़ेगा। अगर पॉन के साथ मूव करता है तो लेट्स जी टेक ऑन F3 एंड दिस इज़ विनिंग पोजिशन फॉर वाइट। सो सिर्फ और सिर्फ किंग के साथ ही मूव करना पड़ेगा, और हम इस केस में आप खेल सकते हैं लाइक किंग टू E6। अब जो आप देख रहे हैं अब जो किंग जो है वो अभी इन टाइम में आ गया है इस दोनों पॉन को सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पे ये जो पॉन है वो भी फ्री है, वो भी प्रमोट के लिए अवेलेबल है। आप देख सकते हो सभी स्क्वायर्स प्रमोट होने के लिए अवेलेबल है। आप आफ्टर G5 एंड किंग टू F7 के बाद जो तीनों स्क्वायर है वो पास
पासर पॉन के लिए अवेलेबल है, तो इस तरह पॉन जो है वो क्वीन बन जाएगी। अगर क्या होता है अगर यहाँ पे ब्लैक जो है अगर यहाँ पे पॉन सेक्रीफाइस करता है इन ऑर्डर टू गेन सम एक्टिविटी, तो हम यहाँ पे सिंपली खेल सकते हैं पॉन टेक ऑन B3, पॉन टेक ऑन B5। यहाँ पे आप देख सकते हो 3passer प्रिंसिपल, आपके पास 3 पास पॉन है और ब्लैक के पास एक बिशप है, बट वो भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे समथिंग लाइक अगर यहाँ पे ब्लॉकेट करता है ब्लैक ने, यहाँ पे है हमारे पास हमारा किंग जो है अगेन क्वीन साइड आके इस पॉन को सपोर्ट दे सकता है, और जो पॉन है वो गेम को डिसाइड करेगा वाइट जीतने के लिए। तो इस तरह ब्लैक सेक्रीफाइस करता है यहाँ पे पॉन जो वो सेक्रीफाइस यहाँ पे गेम को विन कर सकता है सिर्फ, और वेटिंग मूव से कुछ नहीं चलेगा। ये जो अपोनेंट कलर बिशप जो गेम है वो यूजुअली बहुत ही ज़्यादा ड्रॉ हो जाते हैं। तो ये रहा दूसरे एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर। ये जो पोजीशन लिया हूँ द गेम प्लेड बिटवीन पॉल मॉर्फी वर्सेस मिकेल थाल। मिकेल थाल जो है वो ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे थे, दोनों बहुत बड़े स्ट्रांग प्लेयर है उस ज़माने के। तो यहाँ पे मिकेल थाल के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, और यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा पास पॉन के वजह से गेम जो है वो भी नहीं हो सकते। चलिए क्यों क्यों हम देखते हैं। यहाँ पर आप पॉन को पुश करते हो, तो यहाँ पे वाइट सिंपली खेल सकता है बिशप टू D2 एंड यहाँ पे ब्लॉकेट क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए एक पास पॉन की वजह से गेम में जो है कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 1 एंड 2 पासर ऑलरेडी है, और यहाँ पे तीसरे पासर को आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करना है, और जो ब्लैक का यहाँ पे सीक्वेंस तो विनिंग सीक्वेंस आ रहा है वो आपको फाइंड करनी है। तो रेडी, यहाँ पर अमेजिंग मूव है बिशप कैप्चर ऑन F3, व्हाट ए मूव। तो चलिए यहाँ पर वाइट को इस बिशप को मारना ही पड़ेगा। आप देख सकते हो पोजीशन में 1, 2 एंड 3, 3 पास पॉन बन चुके हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे किंग जो है वो F3 पॉन मार सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो 3 पासर बन चुके हैं। वो अगर कनेक्टेड होते हैं तो अच्छा है, अगर कनेक्टेड नहीं होते हैं तो और भी अच्छा है। तो यहाँ पर 3 पासर को एक बिशप स्टॉप करना नामुमकिन है। तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं स्टॉप कर सकता एक बिशप। तो इस पोजीशन में खेला गया गेम में F1। यहाँ पे जो पॉन देख रहे हैं वो अभी फुली पासर पॉन बन चुका है। यहाँ पे ब्लैक जो है सिर्फ पॉन को पुश कर सकता है। अगर यहाँ पे H3 यहाँ पे जाने के लिए स्टॉप नहीं कर सकता व्हाइट ने, तो यहाँ पे ब्लॉकेट क्रिएट कर दिया है इस बी पॉन को। यहाँ पे पॉन जो है सिंपली पुश हो सकता है। यहाँ पे फोर्स कर रहा है कि व्हाइट को किंग टू G1 ही खेलना पड़ेगा, नहीं तो जो पॉन है वो बहुत ही डेंजरस बन जाएगा उसके लिए। यहाँ पे आप पोजीशन को इवेल्यूएट करें तो यहाँ पे अगर मैच जो है वो ड्रॉ हो सकता था, बट यहाँ पे F1 जो है वो पासर नहीं होता। अगर यहाँ पे S पॉन जो पासर हुआ है तो ब्लैक जो है सिंपली किंग टू E2 खेल देगा, और जो पॉन है वो अनस्टॉपेबल है, क्योंकि आप देख रहे हो सभी स्क्वायर जो है वो सपोर्टेड है। यहाँ पे क्वीन बनने से वाइट को नहीं रोका जा सकता। यहाँ पे और दो पास पॉन भी है। अगर समकेश बिशप यहाँ से मूव होता है तो ये जो पॉन है वो भी प्रमोटेड हो जाएगा। तो ये रहा पावर 3 पासर प्रिंसिपल की। तो इस मैच से हमको यही सीखना मिलता है कि अगर पॉन से कितना भी दूर हो उतना ही डिफिकल्ट होता है एनिमी के लिए उसे उस पॉन को रोकने के लिए। तो चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। तो ये रहा पोजीशन आपके स्क्रीन पर। ये गेम खेली गई थी बिटवीन तपालो वर्सेस शेरो। तो यहाँ पे ब्लैक के पास 2 एक्स्ट्रा पॉन है, बट ये जो पॉस पॉन है वो किसी काम का नहीं है, बिकॉज ये जो डार्क स्क्वायर बिशप है वो यहाँ पे A1 पे निगाह बैठ के रखी है। तो ये जो पास पॉन है वो कभी क्वीन नहीं बन सकती। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अपोजिट कलर बिशप है, ब्लैक के पास डार्क स्क्वायर बिशप है और व्हाइट के पास लाइट स्क्वायर बिशप है।
तो ये जो गेम है फीचर करता है वन ऑफ द बेस्ट गेम इन द हिस्ट्री। व्हाइट जो है वो किंग को यहाँ पे सेंटर पे प्लेस करेगा और गेम को इजीली ड्रॉ कर सकता है व्हाइट ने। तो लेट्स से एग्जांपल आप बिशप को यहाँ पे e4 पर रखते हो, लाइक अभी किंग को आपको एक्टिवेट करना है, तो व्हाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो व्हाइट कैन बी इन टाइम। तो व्हाइट को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो यहाँ पर खेल सकता है g3। तो आप यहाँ पर किंग टू g4 भी नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ दिस मूव, लाइक आपको यहाँ पर वेटिंग मूव खेलना होगा। उसके बाद जो है वो किंग जो है वो यहाँ पर इन टाइम पर किंग की एक्टिविटी आप देख सकते हो। व्हाइट का किंग जो है वो अभी काफ़ी एक्टिवेट बन चुका है। तो एंड गेम में क्या होता है दोस्तों, एंड गेम में किंग जो है वो बहुत ही यहाँ पर डेंजरस वेपन है इन द एंड गेम। तो आपको ज़रूर किंग के एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए एंड गेम पे। यहाँ पे आप देख सकते हो किंग की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, तो कभी भी ब्लैक का किंग जो है वो विन नहीं हो सकता गेम को। सो यहाँ पे खेला गया है, इस पोजीशन में खेला गया है। तो इस पोजीशन में आपको क्या करना है, विनिंग सीक्वेंस फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ 3 पासर्स। यहाँ पे 2 पासर्स ऑलरेडी, आपको यहाँ पे अभी एक पासर को क्रिएट करना है। उसके बाद जो है उस 3 पासर को रोकना नामुमकिन हो जाएगा इस डार्क स्क्वायर बिशप को। तो रेडी दोस्तों, यहाँ पर मूव है बिशप टू h3। व्हाट ए मूव, ब्रिलियंट। यहाँ पे बिशप को ऐसी जगह हम प्लेस कर रहे हैं जहाँ पे बिशप को कैप्चर कर दिया जा सकता है। तो लेट्स से अगर यहाँ पे बिशप को कैप्चर करता है वाइट ने, तो क्या होगा कि हमारे न्यू पासर क्रिएट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो क्रिएटिंग थ्री थ्री पॉस्पॉन्स प्रिंसिपल के वजह से हम अपना पॉन जो है वो इजीली प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पोजीशन में यहाँ पे सुसाइड मूव फाइंड करना बोर्ड पर बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे सिर्फ पॉन यहाँ पर सिर्फ बिशप को सेक्रीफाइस करना ही नहीं, यहाँ पे किंग के एक्टिविटी के टेम्पोस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बिशप टू h3 के वजह से क्या हुआ कि किंग को यहाँ पे सेंटर ऑफ द बोर्ड पर आने के लिए भी जगह बन गई है। तो लेट्स से अगर यहाँ पे किंग जो है वो हमारा इजीली सेंटर ऑफ द बोर्ड पर आ सकता है। अगर यहाँ पे वाइट को एक ही मूव चाहिए किंग टू e3 खेलने के लिए, यहाँ पे हम 3 पासर की बात नहीं कर रहे बल्कि हम बात कर रहे कि किंग के एक्टिविटी के भी। यहाँ पे इन टाइम वाइट जो है वो किंग टू e3 खेलता है, तो वाइट इज़ परफेक्टली फाइन। तो आपको गेम को विन करने में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर वाइट जो है वो इन टाइम पर यहाँ पे किंग टू e4 खेल सकता है और किंग टू e3 प्रिवेंट कर सकता है, इवन दो यहाँ पे इस पॉन को सेक्रीफाइस करते हुए भी। अगर यहाँ पे इस पॉन को सेक्रीफाइस नहीं करता है अगर तो ब्लैक ने खेलता है यहाँ पे लाइक किंग टू e2, तो तीसरा पॉन भी है वो यहाँ पे पॉसर बन जाएगा। सो यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे व्हाइट को जो है इस पॉन को लेना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट मूव खेलना है, अगर वो मूव है यहाँ पे d4। d4 यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस बिशप के डायगनल को यहाँ पे a1 पर निगाह रख के बैठा था बिशप जो है वो यहाँ पे अब ब्लॉकेट हो चुका है इस पॉन की वजह से। यहाँ पे अब ये जो पॉन है वो डेडली बन चुका है व्हाइट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो एक जो किंग है वो कभी भी इस पॉन पर कैच नहीं कर सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो पॉन है वो पासर पॉन बन चुका है। तो आप यहाँ पर रोल ऑफ द स्क्वायर बॉक्स भी बनाते हो। तो तभी भी जो व्हाइट का किंग जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स है, तो जो किंग जो है वो कभी भी पॉन को कैच नहीं कर सकता। तो यहाँ पे फोर्स मूव यही है कि बिशप टू e7 प्रिवेंट कर रहा है कि a3 मूव को। बट यहाँ पे आप किंग की एक्टिविटी देख सकते हो, किंग जो है अब यहाँ पे इस पॉन इन फ्रंट ऑफ द पॉन आ चुका है। अब जो ये जो पॉन जो है वो प्रमोट होने के लिए कोई भी रोक नहीं सकता, लाइक यहाँ पे किंग टू
E1 खेलते हो, तो यहाँ पे मेरा किंग जो है वो यहाँ पे सीटों पर आ रहा है, और आप देख सकते हो तीनों स्क्वायर जो है वो अवेलेबल है क्वीन बनने के लिए। तो लेट्स से आप यहाँ पर बिशप से प्रिवेंट करते हो दिस आइडिया, देन यहाँ पे आ सकता है सिर्फ पॉन पुश आ सकता है। ये जो पॉन जो क्वीन बनने जा रहे हैं वो अनस्टॉपेबल है। लेट्स से अगर आप यहाँ पे इस वे से आप दोनों स्क्वायर को प्रिवेंट करते हो, सिर्फ मैं जो है किंग टू B3 खेल दूंगा और नेक्स्ट मूव में मेरी थ्रेट होगी A3, तो ये जो पॉन साइमल्टेनियसली आगे बढ़ते जाएंगे और इट्स इम्पॉसिबल टू स्टॉप टू प्रमोट द क्वीन। सो यही थीम था दोस्तों 3 passers एंड किंग के एक्टिविटी के बारे में इन दिस वीडियो। सो आई होप इन दिस वीडियो यू विल एन्जॉय मोर। ये जो प्रिंसिपल आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपके गेम पर भी आप इस्तेमाल करते हो ये प्रिंसिपल को याद रखते हो, तो इट्स अ क्वाइट इजी गेम को विन होने के लिए। तो गाइस आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और हमारे इस जस्ट लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो मिलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए फॉर मोर वीडियोज़, ताकि मेरा हर अपलोड का नोटिफिकेशन आपको पहला मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।